Hello everyone, on the popular demand of West Bengal people, first time into my life, I am going to conduct 4 days training program on Numerology Professional Success Program, जहां मैं बात करूंगा क्या है Numerology, कैसे ये आपकी life को impact करती है, क्या होते हैं driver number, conductor number, क्या होते हैं name के spelling, कैसे हम अपनी life को transform कर सकते हैं with the help of Numerology Science. And in particularly, my dear friends, the fourth day of this program is going to be the special attraction, जहां मैं आपको सिखाऊंगा एक marketing plan कि कैसे आप अपने आप को professional numerologist establish कर सकते हैं, how you can become the money magnet and how you can rewire your brain. कहां होने वाला है? होटल वेस्टिन न्यू टाउन कोलकाता में. डेट्स होंगी 25, 26, 27, 28 अप्रैल 2024. So please do not miss this golden opportunity and join me live into Numerology Professional Success Program in Kolkata. आओ सीखे अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा. अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो. बोलते हैं बोलते हैं. तो आज आप सब लोग थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे, किरविन जी आज कोट पैंट नहीं पहन के आए हैं और थोड़ा सा एक बदले अंदाज के अंदर है. यस, आज थोड़ा सा अंदाज बदल गया है यार इस वीडियो का. सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि यार प्लास्टर लगा हुआ है हाथ के ऊपर, तो हल्की सी एक चोट लग गई है, जरा पैर फिसल गया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा रिस्ट के ऊपर मेरे हल्का सा एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया है. बट जिंदगी है तो मज़ा भी है, दर्द भी है और सज़ा भी है. दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ. तो आज मुझे एक बहुत ही मशहूर हस्ती की एक बात याद आ रही है. राजकपूर साहब कहते थे, कम वॉट मे द शो मस्ट गो ऑन. यस, शो मस्ट गो ऑन. तो चाहे चोट भी लग जाए हाथ के ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए, पर द शो मस्ट गो ऑन. तो इसी स्पिरिट के साथ आपके साथ फिर मैं हाजिर हो गया हूं अपने एक नए वीडियो के साथ. आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं. आज मैं बात करने वाला हूं किंग खान की. यस, आज हम बात करने वाले हैं किंग खान ऑफ द बॉलीवुड, दैट इज शाहरुख खान. कि शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसे कौन से अंक हैं, कौन सी ऐसी कंपोजिशन बैठी हुई है जिसकी वजह से उन्हें जीरो से हीरो तक की यात्रा तय कर ली, जिसकी वजह से उन्होंने फर्श से अर्श तक की यात्रा तय कर ली. द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू ड्राइव होम विद दिस पर्टिकुलर वीडियो इज कि जो कंपोजिशन, जो अंक शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं, वो कंपोजिशन आपके पास भी हो सकती है. इसका मतलब अगर वही कंपोजिशन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है तो आप भी जीरो से हीरो की यात्रा तय कर सकते हैं, आप भी फर्श से अर्श तक की यात्रा तय कर सकते हैं. बात तो सिर्फ इतनी है जागरण की, बात तो सिर्फ है जाग जाने की. अगर इन अंकों की भाषा को समझ के कहीं ना कहीं आप जाग जाते हैं, जागरण आ जाता है, तो आप भी जीवन के अंदर फर्श से अर्श की यात्रा तय कर सकते हैं, आप भी जीरो से हीरो की यात्रा तय कर सकते हैं. लेकिन आज मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूं यार. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी कहीं ना कहीं ये बात पहुंच पाए और उनके जीवन में भी कुछ जागरण, कुछ उजाला आ पाए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं किंग खान की डेट ऑफ बर्थ की. किंग खान की डेट ऑफ बर्थ है, शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965. तो देखिए इनका बर्थ चार्ट सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, 2 नवंबर 1965. तो बात कहां से शुरू की जाए, वहीं से शुरू की जाए, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं शाहरुख खान के ड्राइवर की, कंडक्टर की और कुआ नंबर की, फिर बात करेंगे उनके बर्थ चार्ट की. शाहरुख खान का जो ड्राइवर नंबर है वो है 2, उनका कंडक्टर नंबर है 7 और कुआ नंबर है उनका 8. यार मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि ये ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है, फिर से दोबारा से बता देता हूं. ड्राइवर नंबर होता है जिस डेट को आप पैदा होते हैं वो आपका ड्राइवर नंबर होता है. अगर वो डबल डिजिट के अंदर है तो उसको आप सिंगल डिजिट कर लीजिए. डेट, मंथ, ईयर, इन सब अंकों का अगर आप टोटल करते हैं तो जो अंक निकल के आएगा वो आपका कंडक्टर नंबर होगा. कुआ नंबर आज मैं नहीं समझा पाऊंगा, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है.
कुआं नंबर कैसे निकाला जाता है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे दोस्त मेरे मित्र जाके हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि कुआं नंबर कैसे निकाला जाता है और कुआं नंबर का क्या रोल होता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, वो वाला वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके ड्राइवर नंबर की और कनेक्टर नंबर की। दो नंबर किसका होता है? चंद्रमा का। सात नंबर किसका होता है? केतु का। तो क्या आपस में ये मित्र हैं? यस, दे आर फ्रेंड विद ईच अदर। जिनका भी ड्राइवर नंबर दो होता है और कनेक्टर नंबर सात होता है, इस तरह के लोग बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। और अगर आपको याद होते कि वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया था कि ये वाला जो एक कॉम्बिनेशन है ड्राइवर टू कनेक्टर सेवन का, या किसी का अगर ड्राइवर सात या कनेक्टर दो भी हो उसके ऊपर ये बात लागू होगी, इस तरह के लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर मैं ये कहूँ कि इंट्यूशन पावर से भी थोड़ा एक कदम आगे चले जाते हैं तो वो होती है सिक्स्थ सेंस। मैं पक्के से कह सकता हूँ कि शाहरुख खान की इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी और इनकी जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत अच्छे से काम करती होगी। ये पहले से भांप लेते होंगे कि जीवन में क्या होने वाला है, क्या इनको एक्शंस लेने चाहिए, कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए, कौन सी पिक्चर साइन करनी चाहिए, कौन सी पिक्चर नहीं साइन करनी चाहिए, अपनी जर्नी को कैसे प्लान करना चाहिए। ये बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि अपनी जर्नी को प्लान जरूर करते होंगे बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ड्राइवर टू एंड कंडक्टर सेवन। अगर आपका भी ड्राइवर दो कंडक्टर सात या वाइस वर्सा ड्राइवर सात कनेक्टर दो आता है तो मान के चलिए परमात्मा ने बड़ी जबरदस्त आपको पावर दी है सिक्स सेंस की और कहीं ना कहीं ट्यूशन पावर की। एज ए टीचर जब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाला कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूं तो एक बहुत अच्छा एक डायलॉग उनको मारता हूं, अगर किसी का ड्राइवर दो कनेक्टर सात हो तो ऐसे लोगों को बोलता हूं द बेस्ट फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन इज ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन। यानी कि अगर आपका भी ड्राइवर दो कनेक्टर सात है तो आपका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ आप ही हो सकते हैं। जानते हैं क्यों? मैं हमेशा एडवाइस करता हूं ऐसे लोगों को कि आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन पावर के ऊपर, हमेशा अपनी सिक्स्थ सेंस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, ऑलवेज लिसन टू योर माइंड, योर डिसीजंस विल बी ऑलवेज ऑलवेज बेटर। बट अगर आप दूसरों के कहने पे, उनके कहने से अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपको हमेशा रिपेंट करना पड़ेगा कि काश मैं अपने मन की सुन लेता तो मैं शायद बेहतर सफल हो सकता था। सो माय एडवाइस टू दोस पीपल हु आर हैविंग ड्राइवर टू कनेक्टर सेवन इज ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, गो बाय योर ड्रीम्स एंड ऑलवेज चेज योर डिसीजन, देन यू विल बी ऑलवेज ऑलवेज इन अ बेटर पोजिशन। नाउ कमिंग बैक, अगर हम शाहरुख खान के बर्थ चार्ट की बात करें तो यहां पर उनके बर्थ चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो ही नंबर मिसिंग है, नंबर चार और नंबर तीन, बाकी सारे अंक इनके बर्थ चार्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या कॉम्पोजिशन इनके चार्ट के अंदर बैठी कि जिसकी वजह से ये इतने हिट हुए और बॉलीवुड के ये किंग बन गए। तो मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कि दो प्रकार की लाइनें या दो प्रकार के योग ऐसे इनके बर्थ चार्ट के अंदर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से ये जीरो से हीरो और किंग खान बन गए बॉलीवुड के। तो सबसे पहले देखिए इनकी जो टॉप की दो लाइनें पूरी हो रही हैं वो हो रही हैं 9-5-1 की लाइन और 2-5-8 की लाइन और 2-7-6 की लाइन, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनकी 9-5-1 की लाइन की, याद होगा आपको मैंने बताया था अगर किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर ये वाली लाइन पूरी हो जाती है 9-5-1 की तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं दीज आर द पीपल हु आर द फाइटर, फाइटर एंड फाइटर। These people never, never succumb to the pressures. हार नहीं मानते हैं कभी भी जिंदगी के अंदर। संघर्ष करने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही जबरदस्त होती है। They know how to bounce back. They know how to bounce back. They know how to bounce back. हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। ये होती है पावर इस 9-5-1 की लाइन की। मैं पक्के से कह सकता हूं कि शाहरुख खान की जो विल पावर है वो बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये कभी भी जिंदगी के अंदर हार मानने वाले नहीं होंगे। और याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, ये जो 9-5-1 की लाइन होती है इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। आई रिपीट, इस लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का प्रतीक। क्या मतलब इसका? हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज एक काम कीजिएगा, आप गूगल के ऊपर जाइएगा, सर्च कीजिएगा टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया और टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिएगा, उनके नाम निकाल लीजिएगा, उनके बर्थ चार्ट बना लीजिएगा। यू नो व्हाट, आपको जबरदस्त झटका लगने वाला है। जानते हैं क्या, अगर आप टॉप 100 रिच एंड फेमस लोगों के बर्थ चार्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा
की 9-5-1 की लाइन, 60-70% जो सेलिब्रिटीज हैं टॉप 100 लिस्ट के अंदर, उनके अंदर ये लाइन कॉमन है। वेयर आर यू माय डियर फ्रेंड्स, वेयर आर यू? अगर आपके पास भी ये 9-5-1 की लाइन पूरी हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो परमात्मा ने बड़ी जबरदस्त ताकत दी है आपको, सिर्फ आपने उसको पहचाना नहीं। अगर आपके पास 9-5-1 की लाइन आपके पास भी पूरी होती है माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन रियली हिट बिग, यू हैव ऑल द राइट टू बी सुपर सक्सेसफुल इन टू योर लाइफ। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो किसकी गलती है? आपकी डेट ऑफ बर्थ की नहीं, परमात्मा की नहीं, हालात की नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। आप कहीं ना कहीं मूर्छित अवस्था के अंदर जीवन को बिताए जा रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन। बट आई कैन टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, इफ एट ऑल एनीबॉडी हैज 951, ही हैज द राइट टू बी सुपर सक्सेसफुल इन टू हिज करियर एंड इन टू हिज लाइफ। सेकेंड बेस्ट लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो वो आती है इनकी 2-5-8 वाली लाइन। देखिए इनके बर्थ चार्ट की तरफ, इनके पास 2-5-8 की लाइन भी पूरी हो रही है। यहां पर जो गेम चेंजर है वो है इनका कुआ नंबर। कुआ नंबर वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है दोस्त, तो वो जाके आप जरूर देखिएगा। मैं कई बार कहता हूं कि यूं तो कुआ नंबर उतना पावरफुल नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर, बट अगर ये कहीं किसी टॉप की लाइन को कंप्लीट कर दे तो पूरी की पूरी लाइफ को ये चेंज कर देता है। ये इसने किया है शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर। इनका कुआ नंबर अगर आप देखें तो आता है नंबर 8। 2 और 5 पहले था इनके पास, जैसे ही 8 नंबर कुआं से आया, इसने राजयोग नंबर 2 की लाइन इनकी पूरी कर दी। इसका मतलब अगर 2-5-8 की लाइन आपकी भी आ जाती शाहरुख खान की तरह, माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव नो आइडिया, गॉड हैज गिवन यू द सुपर पावर टू बी सक्सेसफुल। ट्रस्ट मी, गॉड हैज गिवन यू द सुपर पावर टू बी सक्सेसफुल। तो मेरा यह व्यक्तिगत जानना है कि 2-5-8 की लाइन जैसे ही शाहरुख खान के बर्थ चार्ट के अंदर आई, इन्होंने मार दिए सिक्सर पे सिक्सर। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है, बात कुछ आगे भी जाएगी। अगर आप इनकी लास्ट वर्टिकल लाइन देखें 2-7-6 की, तो वो भी कंप्लीट हो रही है। 2-7-6 की लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्शन लाइन। यानी कि इस तरह के लोग हमेशा फुल ऑफ एक्शन होते हैं, करने वाले लोग होते हैं, डरने वाले लोग नहीं होते हैं। इनको लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर थ्रिल चाहिए, ऐसे लोगों को जिंदगी के अंदर रिस्क चाहिए। वंस दे मेक अ डिसीजन, दे विल 100% अप्लाई इट, दे विल नेवर रिट्रैक्ट, दे विल नेवर गो बैक। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ शाहरुख खान की जिंदगी के अंदर। मुझे ऐसा लगता है जब भी ये कोई डिसीजन लेते होंगे उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते होंगे और उसको कर गुजरते होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कुछ लोग जीवन में कर करके जीते हैं और कुछ लोग जीवन में डर डर के जीते हैं। अगर आपके पास भी 2-7-6 की लाइन है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप करने वाले हैं, आप डरने वाले नहीं है। पर इसके बावजूद अगर आप 2-7-6 की लाइन लेके बैठे हैं, आप डरते रहते हैं जीवन के अंदर, कंफर्ट जोन के अंदर लगे रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने इतना बड़ा पोटेंशियल परमात्मा का दिया हुआ वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके पास भी 2-7-6 की लाइन है, यू शुड बी ऑलवेज फुल ऑफ एक्शन, इन्वॉल्व सम रिस्क, बी फुल ऑफ थ्रिल इन टू योर लाइफ एंड सी हाउ द लाइफ विल बी टोटली चेंज इन टू योर ओवरऑल सक्सेस। सो 2-7-6 की लाइन में मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की जब आई तो इसने सोने पे सुहागे का काम कर दिया। बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। यहां पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर। अगर आप इनका कम्युनिकेशन का ब्लॉक देखें, कौन सा होता है कम्युनिकेशन का ब्लॉक? नंबर 1 का ब्लॉक। इनके बर्थ चार्ट में जो 1 के अंक वाला ब्लॉक है वो बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इनके कम्युनिकेशन का ब्लॉक देखें तो वहां पर 1 का अंक 3 बार आता है। अगर किसी के बर्थ चार्ट के अंदर 1 का अंक 3 बार आता है तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी होती है, बट इस तरह के लोग थोड़े से चैटर बॉक्स पर्सनैलिटीज होते हैं। यस, चैटर बॉक्स पर्सनैलिटीज होते हैं। जहां तक शाहरुख खान की इमेज को हम देखते हैं, थोड़ा सा ये तेज बोलते हैं, थोड़ा सा अलग अंदाज के अंदर बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 111 जब इनके बर्थ चार्ट के अंदर आए तो इनकी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी सी हटके है दूसरों के अंदाज में, और बहुत से लोग इनकी कम्युनिकेशन को कई बार मिमिक्री भी कर लेते हैं। तो ये भी इनका एक बहुत जबरदस्त मेरे हिसाब से अंदाज है। अब मैं आपसे बात करूंगा और क्या ऐसी खासियत इनके बर्थ चार्ट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। याद होगा पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बात की थी सोल नंबर्स की, याद है आपको? अरे यार, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है ना तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया जीवन के अंदर। गो बैक इन टू अवर प्लेलिस्ट, सी दैट वीडियो ऑफ द सोल नंबर्स। यस, सोल नंबर्स की अगर मैं बात करूंगा तो 2 सोल नंबर्स होते हैं। सोल नंबर मतलब जिसके ऊपर आपके बर्थ चार्ट की पूरी आत्मा टिकी होती है।
कौन से हैं वो सोल नंबर्स, नंबर 5 और नंबर 6। अरे शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में नंबर 5 भी आता है और नंबर 6 भी आता है, ये होते हैं सोल नंबर्स। नौ माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा इनके बर्थ चार्ट का सारा एनालिसिस, लेकिन मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। तो ये रहा मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इन्होंने आसमान की बुलंदियों को छू लिया, वो है इनके नेम के स्पेलिंग। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर शाहरुख खान, शाहरुख का टोटल आता है 29, खान का टोटल आता है 13, दोनों को टोटल करें दैट इज इक्वल टू 42, दैट इज इक्वल टू 6। 6 नंबर किसका है, वीनस का, शुक्र का। बॉलीवुड को रास करने वाला नंबर कौन सा है, नंबर 6। ये है वो मास्टर स्ट्रोक जो मुझे लगता है जिसकी वजह से ये किंग खान बन गए। हालांकि इनकी डेट ऑफ बर्थ की कंपोजिशन तो पहले से अच्छी थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसा मास्टर स्ट्रोक इनको मिला इनके नाम के माध्यम से बाय डिफॉल्ट, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ ये बॉलीवुड के किंग खान बने बल्कि उस पोजीशन को राज करते रहे और अभी तक राज करते आए हैं। मैं एक बहुत ही पावरफुल आपको स्टेटमेंट देने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, सुनिए। आपके बर्थ चार्ट के अंदर चाहे कोई राजयोग बैठा हो चाहे ना बैठा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन से होते हैं राजयोग वो भी लगे हाथ बता दूं, 4-5-6 की लाइन राजयोग नंबर 1, 2-5-8 की लाइन राजयोग नंबर 2, और सिंबल ऑफ सक्सेस की लाइन होती है नंबर 3, दैट इज 9-5-1। मान के चलिए आपके बर्थ चार्ट पे ना 4-5-6 की लाइन आती है, ना 2-5-8 की लाइन आती है, और ना 9-5-1 की लाइन आती है। लिसन टू मी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू गिव यू माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी लाइन आपकी अगर नहीं कंप्लीट हो रही, अगर आपके बर्थ चार्ट में सिर्फ ये दो नंबर आ जाए ना, नंबर 5 और नंबर 6, तो समझ लीजिए कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस, कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी का परमात्मा ने आपके बर्थ चार्ट में भर दिया है। इतनी पावर है इन दो नंबर्स के अंदर, नंबर 5 और नंबर 6 के अंदर, वो भी शाहरुख खान के पास बैठे हुए हैं। द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम माय डियर फ्रेंड्स, ये एग्जांपल हमने शाहरुख खान की आज क्यों ली है, सिर्फ इसलिए ली है, ऐसा नहीं कि ये वाली कंपोजिशन इनके बर्थ चार्ट की सिर्फ इनके बर्थ चार्ट के अंदर है, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर इस तरह की कंपोजिशन होगी और आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी ये कंपोजिशन कहीं ना कहीं बैठी होगी। तो आप सोच रहे होंगे मैं सफल क्यों नहीं हुआ, मैं बताऊं क्यों नहीं हुए, जिन खोजा तिन पाइया, याद रखिएगा, जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा उन्होंने पा लिया। मेरा ऐसा परम विश्वास है दोस्त कि परमात्मा ने जब हमें पैदा किया था ना, तो सबके बर्थ चार्ट के अंदर जबरदस्त डायमंड डाल दिए, जबरदस्त हीरे डाल दिए, जबरदस्त पावर दे दी, लेकिन हम रोज घर से निकलते हैं उन हीरों को पकड़ के कंकर समझ के रोज फेंक देते हैं। अब परमात्मा भी करे तो क्या करे, कुदरत भी करे तो फिर क्या करे, दोष किसका है, आपका है। सो द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू प्रोजेक्ट माई डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को पहचानिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ के फ्लेवर को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी वीकनेस को पहचानिए, अपने रोल को पहचानिए, अपने गोल को पहचानिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर इस एजुकेशन से अवेयरनेस पैदा कर देती है, तो मैं पक्के से कहता हूँ कि आप भी किंग खान की तरह, शाहरुख खान की तरह जीरो से हीरो की यात्रा तय कर सकते हैं और फर्श से अर्श तक की यात्रा तय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल टुडे फॉर माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने जरूर कहीं ना कहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ को कोरिलेट किया होगा शाहरुख खान के बर्थ चार्ट के अंदर। सो जाते जाते मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्त, जागिए, समझिए इन नंबरों को, इन अंकों के खेल को, और आप भी अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कीजिए, आप भी अपने जीवन से बेहतर लेके आ पाइए। और मैं भरपूर प्रयास करता हूं कि जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, वो आप तक पहुंचे और आप भी जीवन में जीरो से हीरो की यात्रा तय कर पाए, आप भी जीवन के अंदर फर्श से अर्श की यात्रा जरूर तय कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, और जाते हुए यार चाहे आज मेरी बाजू पे प्लस्तर लगा हुआ, फिर भी कहूंगा क्या, वही, लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज़। बोलते हैं।